नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पामैन के सारे सवाल ये थे कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो कब तक लगेगी, जो बाकी जो कुछ दिखता है मैं सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इनके पामैन से शुरू करते हैं। मैरिज का स्टेटस इन्होंने पूछा मेरे से। देखिए, ये तो आपके बेसिक सवाल है, बट मुझे जो कुछ भी लग दिखेगा आगे जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य की समस्या, तो मैं सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। अगर इनके हाथ में देखा जाए तो देखिए, इनके हाथ में एक दो बड़ी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम मुझे दिखती है। एक इनकी भाग्य रेखा, एक इनकी जीवन रेखा, दोनों में दिक्कत परेशानी साफ साफ दिखती है। वो देखिए कैसे। अगर इनकी भाग्य रेखा की बात करें तो ये इनकी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा दो मुही है, यानी दो मुही भाग्य रेखा अच्छी होती है। माता पिता के आशीर्वाद इस व्यक्ति को पूर्णता अपने जीवन में मिलता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी भाग्य रेखा आगे बढ़ रही है, इस प्रकार से ये यहाँ पर आकर रुक चुकी है। ये यहाँ पर आकर इतनी अच्छी मुझे मजबूत नहीं दिखती है। इसके अलावा अगर भाग्य रेखा की बात करें तो जैसे ही रुकी, इसका दूसरी भाग्य रेखा शुरू हो गई। ऐसे इस प्रकार से एक कट आया, फिर थोड़े टाइम बाद या थोड़े समय बाद एक भाग्य रेखा इस प्रकार चली, फिर ये भी रुक गई है। हृदय रेखा से टकरा कर, यानी इमोशंस में आकर, भावनाओं में बहकर, जल्दबाजी में आकर, या फिर किसी की बातों में आकर, चाहे मित्र हो रिश्तेदार हो, व्यक्ति अपना आर्थिक नुकसान कर सकता है, करियर में चेंज कर सकता है। इमोशंस भावनाओं में भी कंट्रोल करना रहेगा। ये चीज मुझे आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा पर दिखती है। फिर आपके हाथ में एक हृदय रेखा यहाँ से भी निकली, फिर आपके हाथ में एक मुझे भाग्य रेखा यहाँ से भी निकलती दिखाई दे रही है। फिर एक भाग्य रेखा यहाँ से निकली, फिर एक भाग्य रेखा यहाँ से निकली। देखिए, ये भाग्य रेखा का पूरा इनके हाथ में जो भी है दिखता है। देखिए, एक सफल व्यक्ति के हाथ में कैसी भाग्य रेखा होनी चाहिए। एक सफल व्यक्ति के हाथ में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार भाग्य रेखा होनी चाहिए। अगर भाग्य रेखा पर क्रॉस है, भाग्य रेखा टूटकर चली है, भाग्य रेखा या फिर हाथ में नहीं है, तो दिक्कत मानी जाती है। लेकिन आपके हाथ में एक ऐसी एक प्रॉब्लम है कि भाग्य रेखा टूट टूट कर चल रही है, वो भी 4 से 5 बार। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए भाग्य रेखा नहीं होती। समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरी के चांसेस हैं तो 5 से 10% ही मैं देख पा रहा हूँ। बाकी समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरी लगने के चांसेस इतने बढ़िया मजबूत नहीं देख पा रहा हूँ। देखिए, सरकारी नौकरी लगना लगना मेजर फैक्टर नहीं होता। मेजर चीज होती है कि सरकारी नौकरी से पैसा है नहीं है, वो तो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। तो गवर्नमेंट जॉब के इतने बढ़िया योग मैं आपके हाथ में नहीं देख पा रहा। एक बार को मेहनत करने पर, सूर्योदय के उपाय करने पर, और आगे चल के भाग्य रेखा के उपाय करने पर कम से कम 3 से 4 या 5 वर्ष बाद भी हल्के फुल्के से योग बनेंगे। अभी योग नहीं देख पा रहा हूँ मैं। इसके बाद यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखे तो मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। अपनी वजह से, अपने जीवन साथी की वजह से ठीक ठाक पैसा कम जाएगा आपके जीवन में। आप अपने पैसे से, करियर से, धन से सेटिस्फाई होंगे। इस तरह के अच्छे खासे और ठीक ठाक मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। बाकी अगर देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ये रेखा 3 अच्छे फायदे देने वाली होती है। एक भाग्य का फायदा मिलता है, तो अच्छा भाग्य होता है शक्ति का। दूसरा, स्वास्थ्य ठीक ठाक देती है। तीसरा, मस्तिष्क यानी बुद्धि अच्छी खासी ये रेखा देने वाली होती है। इस तरह के ठीक ठाक योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। जब ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति की इन्वेस्टिंग पावर अच्छी होती है, सेविंग पावर अच्छी होती है। व्यक्ति इन्वेस्टमेंट जब भी करता है तो फायदा मिलता है। पैसा जब भी बचाने के लिए व्यक्ति सोचता है तो पैसा बचा लेता है, खर्चों पर पूरा कंट्रोल होता है, और मनी सेविंग और मनी मैनेजमेंट जो होता है व्यक्ति को आता है कि कितना पैसा अपने पास रखना, कितना किसी को देना, कितना का इन्वेस्टमेंट करना है। मनी का मैनेजमेंट व्यक्ति को बहुत जल्दी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया होता है। तो इस तरह के अच्छे और ठीक ठाक योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर देखेंगे तो दूसरी समस्या जो मैंने बताई थी कि जीवन रेखा छोटी है, वो भी दिखती है। देखिए क्या, देखिए जीवन रेखा की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, जीवन रेखा से मजबूत, जीवन रेखा से अच्छा हाथ में कुछ नहीं होता। यदि आपके हाथ में इस प्रकार की जीवन रेखा, तो समझ जाइए कि आपको दिक्कत परेशानी रहेगी ही रहेगी। वो किसी भी रूप में रह सकती है, बट जीवन रेखा में दिक्कत बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर आप देखेंगे तो देखिए, या तो जीवन रेखा टूटी हुई हो, या फिर क्रॉस लग जाए, फिर छोटी हो, तो समस्या रहती है। आपके हाथ में जीवन रेखा से चलिए यहाँ पर रुक चुकी है। एक सपोर्टिव लाइन है, बट वो बहुत ही पतली है। वो है या ना है, मतलब है या नहीं है, ये एक ही बार दिखता है। ये सपोर्टिव लाइन होती है, लेकिन सपोर्टिव लाइन के बेस पर जीवन रेखा का काम नहीं चलता। तो जीवन रेखा एक तरह से छोटी ही है, सपोर्टिव लाइन आ रही है, बट उसका कोई महत्व मैं नहीं समझता हूँ। तो छोटी जीवन रेखा आप समझ सकते हैं। देखिए, मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि आप अल्पायु हैं, आपका जीवन छोटा रहेगा, या फिर आपको दिक्कत परेशानी दे सकती है, ये चीज नहीं होती है। बट हाँ, आप ये समझ सकते हैं कि छोटी जीवन रेखा वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य की समस्याएं ज्यादा आती है। व्यक्ति को स्वास्थ्य कहीं ना कहीं परेशान करता है, जीवन में बारम्बार से रिलेटेड दिक्कत रहती है। इसके लिए आपको एक महादेव का अमृत मंत्र दे दिया जाएगा। उस मंत्र का जाप करने से, मंत्र का नाम जाप करने से भाग्य उदय अच्छा होता है, जीवन रेखा मजबूत होती है। अल्पायु व्यक्ति भी पूर्ण आयु करके अपने जीवन में अच्छा व्यतीत करने वाले होते हैं। जीवन शक्ति को बढ़ाने वाला अमृत मंत्र आपको दे दिया जाएगा। उस मंत्र का जाप करके भाग्योदय बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत मजबूत आपका होने वाला रहेगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 5 लाख जाप तो उसका करना ही करना रहेगा, बाकी आपके ऊपर है। उससे आपको लाभ 100% मिल जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा पर अगर आप आएंगे तो नीचे के ट्राइंगल बन रहे हैं। देखिए, मस्तिष्क का बुद्धि, ज्ञान, विवेक, दिमाग की रेखा होती है। नीचे के ट्राइंगल बनना स्ट्रेस, परेशानी, डिप्रेशन, दिक्कत, चीज और संघर्ष को दिखाता है। यहाँ पर ट्रायंगल बनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। शास्त्रों में से चिंता का विषय देखा गया है। ये दिखाता है कि चिंताएं बहुत करेगा, चिंताएं आती जाती रहेंगी,
और कोई ना कोई और कोई परेशानी ना होते हुए व्यक्ति जीवन में समस्याओं में पड़ता है। तो इस तरीके के योग आपके हाथ में यहाँ पर मुझे साफ साफ देखने को मिल रहे हैं। आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा मुझे बिल्कुल भी अच्छी किसी भी रूप में नहीं दिखती है। मस्तिष्क रेखा में दिक्कत परेशानी आपके हाथ में साफ साफ है। बाकी अगर देखेंगे तो ये मस्तिष्क रेखा झुकती हुई भी जा रही है, हल्का सा झुकी है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, खासकर बुढ़ापे के अंदर, आपका जो ध्यान होगा वो धर्म की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ये चीज यहाँ पर दिखती है आपके हाथ में। बाकी अगर आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखे तो देखिए हृदय रेखा ठीक है, बट यहाँ पर देखिए ये और हृदय रेखा अच्छी नहीं है। यहाँ पर ये एफ के साइन बन रहे हैं। एफ के साइन हाथ में हृदय रेखा पर अच्छे नहीं होते। ये व्यक्ति को तीन समस्या देते हैं। सबसे बड़ा स्वास्थ्य की समस्या, वो कमर दर्द हो सकती है, घुटनों के दर्द हो सकती है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बीपी या फिर किसी भी रूप में समस्या हो सकती है। तो सबसे बड़ी समस्या आती है व्यक्ति को स्वास्थ्य से। दूसरी ये आती है कि व्यक्ति कभी ना कभी रिलेशनशिप्स में या फिर संतान से, जीवन साथी से, माता पिता से, फैमिली से, रिलेटिव से धोखा खाने वाले योग बनाता है। इसका मतलब समझ जाइएगा कि जब भी किसी के ऊपर भी आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि मैंने आपके लिए इतना किया, आपको मेरे इतना करना है, आपको हमेशा उसमें धोखा एवं दिक्कत परेशानी रहेगी। ऐसे व्यक्तियों के लिए परमात्मा से अच्छे कर्म करने के बाद भी मोक्ष की अपेक्षा रखना वर्जित होता है। अगर ऐसे व्यक्ति हर किसी रिश्तों में, चाहे परमात्मा से ही भक्ति भाव का रिश्ता क्यों ना हो, अगर ऐसे व्यक्ति निष्फल भावना से मेहनत करते हैं, बिना अपने फल की इच्छा किए मेहनत करते हैं, तो बहुत सब कुछ मिलता है। और जहां आपने अपने ऊपर आशा रखी कि मुझे इतना मिलना चाहिए, मैंने इनके लिए इतना किया, तो फिर समस्या में हो जाते हैं। तो निष्फल भाव से मेहनत करने पर भाग्योदय 100% होता है ऐसी हृदय रेखा वाले व्यक्ति के जीवन में। तीसरा नुकसान ये मिलता है कि किसी को जब भी पैसा देंगे, मैं उसमें बड़ा पैसा की बात कर रहा हूँ जो कि 2-2.5 लाख या उसके ऊपर का होता है, तो जब भी किसी को बड़ा पैसा देंगे तो बहुत समय बाद मिलेगा वापस, या फिर मिलेगा ही नहीं, या फिर इतने समय बाद मिलेगा जिससे उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो तीन समस्या हृदय रेखा में दिखती है। बाकी स्वास्थ्य की मेजर समस्या है तो आपसे स्ट्रॉन्गली सजेशन रहेगा कि अपना वजन मत बढ़ने दीजिएगा कभी भी। 10 साल 20 साल 50 साल कितना भी समय जाए, वजन नहीं बढ़ना चाहिए। अपने स्वास्थ्य, अपने खान पान, अपनी शारीरिक सेहत और अपनी मानसिक सेहत का ध्यान रख सकते हैं। सुबह सुबह उठकर पैदल चलना, मेडिटेशन करना, योगा करना, भगवान का नाम जाप करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जाग जाना और तुरंत मेहनत करते रहना, और शुगर का इंटेक कम से कम करना। अगर चाय दूध पीते हैं तो उसमें गुड़ का उपयोग करें, शक्कर का उपयोग करें, बट चीनी का उपयोग ना करें। ये चीज आपके सेशन में रहेगी। यहाँ पर ये रेखा तीन मुही हो गई है, त्रिशूल का आकृति हृदय रेखा पर बन गई। देखिए हृदय रेखा इंटरनल सॉल की रेखा होती है। यहाँ पर अगर त्रिशूल की आकृति बन जाए तो समझ जाइए कि आपका जीवन, आपका भाग्य, आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, शादी से पहले का भी, शादी के बाद का भी, सब कुछ महादेव की कृपा से आपको मिला हुआ है। संतान सुख जो मिलेगा वो महादेव की कृपा से मिलेगा। समझ, अगर जितना आप महादेव की भक्ति करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। महादेव के अमृत मंत्र का जाप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे उसका लाभ मिलेगा। पशुपतिनाथ महादेव को कहा जाता है तो पशु की सेवा करने से आपको लाभ मिलेगा। इतना समझ लीजिए कि आपके जीवन के जितने भी सुख आएंगे, दुख आएंगे, जो कुछ भी होगा, सब महादेव की कृपा से होगा। जितना आप महादेव की भक्ति में लीन रहेंगे उतना आपका अपना भाग्योदय नष्ट शुरू हो जाएगा। ये चीज मुझे आपके हाथ में दिखती है साफ साफ। उंगलियों के फैलेंजेस खुले हुए हैं। 100% नेचर खर्चीला रहेगा। पैसा आएगा लेकिन आप उसे तेजी से खत्म भी करेंगे, और पैसे की इन्वेस्टिंग वो तो ठीक है, बट हाँ एक खर्चीला नेचर रहेगा। पैसे को मैनेज करने में अच्छा लाभ मिलेगा, बट व्यक्ति खर्च भी अच्छा साथ के साथ करता रहता है। सूर्य की उंगली अगर ध्यान से देखें तो छोटी दिखती है मेरे को। सूर्य की उंगली का छोटा ना व्यक्ति को एक रिस्की नेचर नहीं देता, व्यक्ति रिस्क लेने से डरता है, रिस्क व्यक्ति नहीं लेता कहीं भी किसी भी रूप में। दूसरा, ऐसे व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, एक अपने अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई होता है और व्यक्ति इगोस्टिक देखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखेंगे तो पिंकी फिंगर आपके हाथ में सूर्य की उंगली के पहले तक नहीं पहुंचे, छोटे पड़ गए। ये आपके अंदर डॉक्यूमेंटेशन, चीजों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, इन सारी चीजों में कमी देगी। ऐसे व्यक्ति को लगातार नियमित कम से कम 2-3 महीने में एक बार तो किन्नरों का आशीर्वाद देना चाहिए, उससे बहुत लाभ मिलता है, बहुत ज्यादा। और गणेश जी की पूजा करने से बहुत अच्छे खासे लाभ देखने को मिलते हैं। और अगर देखें तो देखिए दो समस्या तो मेरे को ये दिख रही थी कि नीचे को ट्रायंगल है, यहाँ पर ये यफ का साइन है, भाग्य रेखा सरकारी नौकरी लायक तो है ही नहीं, और अगर लगती है गवर्नमेंट जॉब तो इस प्रकार की लगेगी डी लेवल की, जिसमें आप शायद अपने करियर से सेटिस्फाई ना हो पाए। आपको गवर्नमेंट जॉब तो मिल जाएगी मेहनत करने पर, बट जितना पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना पैसा शायद ना मिले, तो ये चीज यहाँ पर दिखती है। तो अगर इच्छा पूर्ति या तो होगी नहीं गवर्नमेंट जॉब, अगर होती है तो बहुत छोटे लेवल पर, यानी कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप कुछ और कार्य भी ना करें और केवल एक कॉन्स्टेबल लेवल की जॉब पर आपका पूरा जीवन व्यतीत हो जाए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में मत ही जाइएगा। अगर आपको कुछ करना है तो शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा भाग्योदय है। गुरुदेव बृहस्पति की पूजा, नाम जाप करने से, गुरुवार को व्रत रखने से और अनाथ आश्रम के गरीब बच्चों को, वृद्ध आश्रम के बड़े बूढ़ों को अन्नदान करने से आपका शिक्षा के क्षेत्र में भाग्योदय होगा। तो मैं इतना देख पा रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब है, ग्रुप डी लेवल तक की तो है, उसमें आपको लाभ मिल जाएगा, बट जितना पैसा सोच रहे हैं लाइफ में ओवरऑल, चाहे बिजनेस से आए, जॉब से आए, कैसा है, वो नहीं बनता देख पा रहा हूँ। उसके लिए आपको अच्छे कर्म, भाग्य रेखा को मजबूत करने के उपाय करने रहेंगे।
तो मैंने आपके पाम कंशिस पूरा कर दिया है, आपके पाम की हेलेट ये थी कि हाथ में सब कुछ सही है, बस दो चीज दिक्कत है कि एक तो मंत्र का जाप कीजिए। देखिए मैं कहता हूँ कि हमेशा उस मंत्र का जाप करते रहेगा, बट हाँ मिनिमम 5 लाख माला माला नहीं, 5 लाख बार तो उस मंत्र का जाप करना ही रहेगा, 2 जीरो कम होगी 5 लाख। तो 5 लाख बार जाप कीजिएगा, भाग्य रेखा को मजबूत करने का उपाय आपको दिया जाएगा, हृदय रेखा के उपाय, इसके उपाय मैंने आपको वीडियो में बता दिए क्या क्या करने होते हैं, उंगली छोटे इसके उपाय मैंने आपको बता दिए, वीडियो में नोट कर लीजिएगा उपाय हमेशा करने हैं। यहाँ पर मेडिटेशन कीजिए, ये जो नीचे का ट्राइंगल बने इसके लिए मेडिटेशन कीजिए, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। मुझसे आप कौन से उपाय लेंगे, तो जीवन रेखा और एक भाग्य रेखा के उपाय आप मुझसे ले लेंगे, एक शनि पर्वत का उपाय भी लीजिएगा, उससे आपको लाभ देखने को जरूर मिलेगा। वीडियो देखने कोई डाउट कोई क्वेरी कोई सवाल रह जाए हमसे पूछ लीजिएगा। आपने पूछा कि मैरिज का स्टेटस, आप मुझे पहले बताइए कि मेरी शादी हो चुकी है नहीं हो चुकी है, पूछ क्या रहे हैं मेरे को वो बताइएगा, आपको बता देंगे सब डिटेल में पर्सनली व्हाट्सएप पर ही। तो कोई डाउट कोई क्वेरी कोई सवाल पूछा जाए पूछ लीजिएगा, अगर हम एक दो सवाल का जवाब नहीं दे पाए वो भी पूछ लीजिएगा हमसे, सब कुछ आपको डिटेल में बता देंगे। कोई डाउट कोई क्वेरी रह जाए लिख दीजिएगा, अपना रिव्यू भी छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई नहीं है जो भी है सब बता दीजिएगा, डाउट क्वेरी रिव्यू ध्यान से छोड़ दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।